खबर बलिया से है, जहां बलिया में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में बलिया शहर के टाउन हॉल पहुंचे उत्तर प्रदेश के इकलौते बसपा विधायक उमा शंकर सिंह ने कहा कि बसपा 2024 का चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। तो वहीं ईवीएम से हो रहे चुनाव को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब से ईवीएम से हम सबका चुनाव हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी का सीट कम होता जा रहा है। चुनाव अगर बैलेट पेपर से होगा तब बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। ईवीएम से चुनाव का मतलब है बहुजन समाज पार्टी का सीट कम होना। ईवीएम के थ्रू बहुजन समाज पार्टी को समाप्त करने का एक साजिश चल रहा है। ईवीएम का खेल है, अगर जहां कोई पार्टी जीत रही है तो ईवीएम पार्टी हरा देती है। ईवीएम का खेल तो निराला है। उन्होंने उक्त बातें आयोजित कार्यक्रम बापू भवन टाउन हॉल पहुंचे थे तो उन्होंने उक्त बातें कही। से आया है तब से जो है बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत घटा है, लिहाजा बैलेट पेपर लागू होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। देखिए तो स्पष्ट है, जिस देश ने ईवीएम बनाया और ईवीएम बना करके कई देशों में, अपने विश्व के कई देशों में ईवीएम से चुनाव होने लगे, लेकिन उन देशों में जब यह आवाज़ उठने लगी कि ईवीएम में कहीं ना कहीं से कुछ है मामला, तो सारे देश ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया। सारे देश अपने पूरा अपने बैलेट पेपर पे आ गए। और हम भारत में भी जब मान लीजिए हमारा बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा था, ईवीएम आ गया और ईवीएम से जब आवाज़ उठने लगी है तो फिर ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव न कराया जाना, ये और संदेह के घेरे में ला रहा है कि भाई हमें आपको क्या पड़ी है। जब सब लोग कह रहे हैं तो अगर आपका कोई व्यक्तिगत इसमें लाभ नहीं होने वाला है तो निश्चित रूप से आपको बैलेट पेपर से कराना चाहिए। और ये स्पष्ट माननीय बहन जी ने यह भी कहा कि जब से बैलेट पेपर से हटा है तब से बहुजन समाज पार्टी की सीटें कम होनी दिखने लगी हैं। ये केवल एक साजिश के तहत ईवीएम के थ्रू बहुजन समाज पार्टी को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है जिसे अब सफल नहीं होने दिया जाएगा। क्या बसपा इसके लिए कोई मुहिम चलाएगी? बिल्कुल, जब नहीं बिल्कुल माननीय बहन जी ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे तरफ से गया था, इलेक्शन कमीशन को भी हमारे तरफ से गया था, फिर एक बार आज मीडिया के माध्यम से भी माननीय बहन जी ने माननीय इलेक्शन कमीशन से अपील किया है कि इलेक्शन कमीशन इस पर विचार करे कि वह ईवीएम हटा करके बैलेट को लाए। जब सारी राजनीतिक दल के लोग चाह रहे हैं कि बैलेट से हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इलेक्शन कमीशन को कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप भी तो ईवीएम से ही जीते थे और दो दो बार आप लगातार मतलब जितनी बार भी आप चुनाव जीते ईवीएम से जीते। हमें ईवीएम से जीतते हुए हमारे जैसे 200 साथी और जीतते। ईवीएम का मतलब ये है कि ईवीएम में इतनी कुछ ना कुछ जरूर है कि वो मार्जिंग हमारी घटती मने कम होगी, लेकिन जो हमारे 200 साथी और जीतते उसी ईवीएम से। अब उनकी मान लीजिए कोई अगर साथी ईवीएम में, अगर मान लेता हूँ कि 20,000 का घालमेल है और कोई साथी हमारा 15,000 से जीत रहा है, वो तो 5,000 से हार गया। तो ये ईवीएम का खेला है, ईवीएम का जो खेला है ये ईवीएम का खेला है, मैंने और कोई बात नहीं है। ये पूरी ईवीएम जो है हर जगह जहाँ घूम रही है, महाराष्ट्र अरे वहाँ पे बंगाल में भी ईवीएम जा करके भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पे जीरो बेस है वहाँ पे